तो आज जा रही है विवेक की बारात, तो देखो मैडम सज रही है। हेलो गाइस, तो अभी हम आए हैं विवेक के घर पर। तो यहाँ पर अभी भात की तैयारी चल रही है और सब लोग बैठे हुए हैं। विवेक के मामा और मामी इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी आए हमारी बहन, तो हम उनको भात पहनाएं। और इधर सब लोग ढोलक बजाना मस्त है। तो देखो जी, विवेक की मौसी हैं जो कि डांस कर रही हैं बैठ बैठ के। ये क्या बात है, सब बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी करती हैं विवेक की मौसी। और सब लोग ढोलक बजा रहे हैं, मम्मी हैं और इधर ये बुआ बैठी हैं जो हरो ब्लाउज पहने बैठी थी बुआ हैं। तो सब लोग ढोलक बजाना मस्त है। तो अब चाची आने वाली हैं, तो चाची आ गई हैं क्योंकि चाचा हमारे हैं ना, और सलोनी को पहनावाएंगे, उनकी लड़की हैं। तो चाची और सलोनी दो लोगों को पहना रहे हैं मामा, इनके भैया यानी कि विवेक के मामा, तो हमारे मामा लगे। तो ये क्या बात है, छावर कर दी दोनों लोगों। तो ऐसे हमारे यहाँ भात पहना जाता है। मामा ने पैर छूले अपनी बहन के, तो मामी खिला रही हैं बतासे, अब मामा खिलावेंगे। तो मामा मामी ने बतासे खिलाया था, अब पैर छूके उनके मान सम्मान कर गए। सलोनी ने देखा मुँह में भल्ला है, तीन चार बतासे इनको मुँह ना चल रहा हुआ है, ऐसे है। तो देखो कैसे भरे हैं, गाल वजह लगा दिए, खाइए लें। तो अब चाची अपने भैया से गले मिल रही हैं, ये है बहन भाई का रिश्ता। चाची की भैया तो चार पांच है पर वो लोग आ ना पाए, तो सबके बदले जेई पहना रहे। कम से कम सात आठ भात हो गए चाची के, तब जेई पहना देंगे। सबने नहीं कि हाथ भेज दो, हर बार पैर कौन छुए ताश बड़ी है अपने। नमस्ते, राम राम, जो है जो कर ली उन्हें। चाची की निर रुपया भी ये इधर चाची और करता है। जितेंद्र बहुत मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे, चाची है सबके बदले गले मिले रह रही हैं। ये चाची की भाभी हैं यानी कि मामी, तो अपने नंद को मान सम्मान कर रही हैं पैर छू के। अब भात तो पैर ही हो, अब तैयारी होगी विवेक को सारो बागो पहनाओ जाएगा बागो। तो अब कश्मीरा रह गई हैं, उनको भात पहना हो जाएगा। तो अब कश्मीरा और जितेंद्र दो लोग आ चुके हैं, तो इन लोगों को भात पहना हो जाएगा। कश्मीरा के भैया जो भात लेके आए तो वे पहनेंगे, जब वीडियो वाले आएंगे तब। अब वीडियो वाले आ ना पाए और जी मामा जा रहे हैं अपने घर, इसलिए ऐसे ही पहना दो। तो दो लोग पहन रहे हैं, कश्मीरा और जितेंद्र, देख लो। तो बहुत खुश हैं जितेंद्र और कश्मीरा, ये क्या बात है, हंस रहे हैं जितेंद्र। एक ही बार निछावर करते ही दोनों जने के ऊपर, तो ये लोग भात पहले इन लोगों ने मना कर रहे हैं मामा की, तो पैसा मत दी हो। तो बाकी बाद हम लोग घर पर जाएंगे, फिर तैयार होवेंगे, जब इनकी पहनावनी होगी तब हम लोग फिर से आवेंगे। जी हैं विवेक की मौसी ढोल बजान मस्त हैं एकदम, बहुत ज़्यादा खुशी है कि मानवता की शादी हो रही है। तो हम जा रहे हैं घर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज जा रही है विवेक की बारात, तो देखो मैडम सज रही हैं और मैं तो एकदम रेडी हो गई, मम्मी और रेडी हो गई है ना मम्मी, और हम जा रहे हैं बारात देख लो। चलो आ जाओ, लगाया गैस। तो अब हो रही विवेक की पहना, जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हैगी और रात को सीन है, ज़्यादा लाइट की व्यवस्था ना हो पाई चाची के घर पे, और जनरेटर वगैरह चले गए, लाइट आ ना रही है। तो ये सूर्य प्लेट की जो वो है बास रोशनी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। पंखा पंखा कसना पंगा इसका, सबके मुँह पे पसीना चल रहा है, सब मेकअप फैकअप सबको ख़राब हुई हो, बच्चा तो इतनी परेशान है गर्मी के मारे बहुत ही ज़्यादा। हमारे हाथ में तो बिजना निकलो ही ना, हाथ ही हर समय रहो बिजना।
तो यहाँ पे पानावानी हो रही। देखो विवेक कैसे पसीना पोंछने लिपटे पर ही हेंगे। ऐसा कोई बच्चो ना है जिसको पसीना आओ ना हो। गैस हम ज़्यादा वीडियो ना बना पाएंगे क्योंकि हमारे पास लल्ली है और कैमरा हमने दूसरे जने को दे दिया हुआ, इसलिए हम ज़्यादा वीडियो ना बना पाएंगे रात को समय में। तो जितनी बना पाई उतनी हम आप लोगों को वीडियो बना के हमने डाल दी। तो जी हमारे जीजा जी हैं यानी कि हमारे नंदोई, तो जी पहना रहे हैं इनको साल बागो। ये रख गया इनका मोरा और हार पहना दो। हम सब लोग आ गए बारात पनार के, तो बारात चली गई सबकी, हब सब भूल गई सरता देखो पसीना भीग गई और थके बैठ गई यहाँ की कविता। हाँ रख गया तो प्राणी हो हम तो अभी नया अमन ना होता। अरे मैडम कहाँ गई? मैडम नहीं है भाई जी, हाँ सबसे चिलकानी है दैया जे जे नैया है दिन दोनों में से बताना कौन ज्यादा बढ़िया है कमेंट करके। जे प्रज्ञा क्या कह रही है? इन दोनों में से बताना कि कौन बढ़िया है दोनों में से कमेंट करके जरूर बताना। नंदा कला नंद भाभी की भाभी नंद गाइस तो जे हमारी मंजिली वाली दीदी जो कि इनको पता ना कि वीडियो बन रही है, हम इनके सामने ज्यादा बोले ना क्योंकि इन्हें ज़्यादा इन्हें जब पता कि फ़ोटो खींच रहे हैं और हम वीडियो बना रहे थे, तो वो प्रज्ञा यानी कि लड़की उधर अभी खड़े इधर हम हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दियो।